नगर निकाय चुनाव के तीसरे चरण के नॉमिनेशन के चौथे दिन प्रत्याशियों की काफी संख्या में भीड़ उमड़ी, जिसमें विभिन्न पद के प्रत्याशी सुबह 11 बजे से ही अपने समर्थकों के साथ विकास भवन नॉमिनेशन प्रक्रिया करने के लिए पहुंचने लगे। विकास भवन पहुंचकर अपना अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं बतौर मेयर पद से रंजन यादव ने भी नामांकन दाखिल किया। मीडिया से मुखातिब होते ही मेयर प्रत्याशी रंजन यादव ने कहा कि नगर निगम सहरसा में जलजमाव जाम की बड़ी समस्या है। हर वर्ष लोगों को जलजमाव की समस्या झेलनी पड़ती है। अगर जनता अपना प्यार और आशीर्वाद देते हैं तो नगर निगम में बेहतर से बेहतर करने का कोशिश करूंगा। पिछले कई सालों से नगर परिषद में चल रहे भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि नगर निगम के कर्मी जनता के घर घर जाकर उनका काम करें, ना कि जनता को नगर निगम में जाकर अपनी समस्याओं को लेकर परेशान होना पड़े। अभी आपने मेयर पद से अपना नामांकन दाखिल किया है, क्या रोड मैप रहेगा, किस तरह से काम कीजिएगा अगर प्यार आशीर्वाद मिला जीते तो? अगर हम जीतते हैं तो सहरसा नगर निगम को सबसे पहले आपको जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्या से मुक्ति मिलेगा, जल निकासी का समस्या खत्म होगा और तमाम भ्रष्टाचार जो नगर पालिका में इससे पहले हो रहा था वो तमाम भ्रष्टाचार को हम लोग खत्म करेंगे। और निगम का पदाधिकारी घर घर जाके सभी आदमी से मिल के और उनका काम का निपटारा उनके घर पे करेगा, ना कि वहाँ के लोग निगम में आके लाइन लगेंगे और वहाँ पे घुसखोरी को बढ़ावा देंगे। मेरा समस्या है, मेरा काम रहेगा जो नगर निगम रोड के जनता के दरवाजे तक जाएगी, ना कि जनता निगम के द्वार पे जाएगा, यही मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा। क्या नाम है? रंजन यादव। किस पद से? मुख्य पार्षद।